रोड से करीब है हम। जो भी है साहब, बहुत ही खौफनाक किस्म की जगह है। कह रहा हूँ, जो कुछ भी जिसने कहा है, कम कहा है, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक जगह है। टहरी की आवाज़ फिर आ रही है। चल भाई, जानवर भौंक रहे हैं आसपास। पहले भी थी, पहले आवाज़ नहीं आ रही। यार सुन भाई, शायद पहली जगह होगी जिसके बाहर इमली का दरख्त है। पहली जगह इससे पहले इमली का दरख्त नहीं मिला। नहीं, मैंने ये भी सुना है इमली के दरख्त पर भी मखलूकात होती हैं। बिल्कुल होती। अच्छा, पीपल के भी बड़े कदीमी दरख्त हैं आस पास। इधर भाई यहाँ यहाँ तक आई हूँ।
डराया है मुझे, अल्लाह करे काटा ना हो। नहीं शॉट पूरा कर। क्या चीज़ बनाया है इसको, लंबे लंबे नाखून है, चार इधर भी चार इधर भी चार। बड़ा मुंह, अभी समझ से बाहर है यार, वो बंदा इतनी ऊंचाई पे चढ़ा कैसे? अगर आम मखलूक थी, वो आम मखलूक नहीं थी यार, नहीं थी। आवाज बंद हो गई थी सर मेरी। दिमागी काम करना छोड़ के हमें पीछे की तरफ गया, मैंने फिर बाद में देखा आप यूं जा रहे हो। आप लोग दरवाजा होते हैं, आप दोनों खिड़कियों से आ रहे हैं यार। मैं सच बताऊं, मुझे वो खिड़की दरवाजा लग रही थी सोच भाई, यकीन करो मुझे लग रहा वो दरवाजा ही है, बस किसी तरह निकल जाए बाहर। क्या देख लिया हमने, किस जगह देख लिया हमने यार, वो काला स्याह कोई चीज, काली स्याह चीज थी, बड़ा सर था। मैंने कोई दो चीजें देखी हैं उसकी, अब वो हाथ थे, एक पैर एक हाथ था, मुझे नहीं पता सर। मुझे क्यों लग रहा था कि उसका ये हिस्सा नहीं नजर आ रहा था नाक का मुझे। मैं तो बस देखा उस रोशनदान में जो कम अज कम 20-25 फीट ऊपर है, कम अज कम उसमें कोई चीज बैठी हुई है, लटकी हुई है, देख रही है हमें। नजर मेरी पड़ी ना, चढ़ी तो चढ़ी कैसे इतनी ऊपर, चढ़ी कैसे यार साहब, जब वो बाहर से तो नहीं आया गई अंदर। सोहेल भाई चारों तरफ बंद है, ये वही साया था जो हमने देखा था, ये उसी का साया था, उसी का ही साया था। सही बोल रहे हैं सोहेल भाई, जो हाइट देखी थी ना भाई, उसकी हाइट पे वो हमें लेटी हुई कोई चीज देख रही थी ऐसे, वो उस पे सो रही थी, वो उस पे उसका मतलब किस तरह से वो बैठी हुई थी या लेटी हुई थी या देखा क्या आपने सबसे पहले? मैं ये देखा वो जब जिस रूम में आप जा रहे थे ना, तो मैं वैसे ही कैमरा, मेरा मेरी आदत है मैं इधर उधर घुमाता रहता हूँ, जैसे ही कैमरा गया मैं रोशनदान पे कुछ चीज हिल रही है, हिल रही थी, हिल रही थी, मतलब उसका पैर हिल रहा था ये ऐसे ना, जैसे लटकते नहीं। तो मैं आपको हाथ पकड़ा, मैंने कहा ये देखें आप, तो शायद आपने उस वक्त नोट भी किया होगा, एक हाथ एक पैर उल्टा, माफ करो उसका चेहरा था यार, भाई वो रोशन दान को इतना बड़ा तो नहीं था उसमें कि पूरा बंदा आ जाए। नहीं आए क्या, इसका कद छोटा था, क्या था ये चीज, छोटी थी, बोना था, छलावा था, ये क्या था यार, हमने कहां क्या रिकॉर्ड कर लिया ये अचानक हो गया है। अगर हमारा बिल्कुल अगर ध्यान नहीं होता उस रूम से निकल के, अगर हम इस तरफ आते और हम इस ऊपर देखते ही ना, तो मैं बिल्कुल ऐसा लगता है वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल इत्तफाक़ी नजर गई है। पीछे कहाँ जा रहे थे, पीछे किधर जा रहे थे यार? मैं यही समझ रहा था दरवाजा उस तरफ है सज्जाद भाई, दिमाग ने काम ही छोड़ दिया, दिमाग ने काम छोड़ दिया, इस वक्त तो दिमाग हाजिर रखना चाहिए। लेकिन मैं यही समझा सज्जाद भाई इस तरफ गए ना,
मैं तो यही समझ रहा था। तो देखो ना यार आप, मतलब सर भाई वो हाथ पांव हिलाते हुए हमें देख रहा था ऊपर से, ऐसे ही लगा मुझे। इतना वाजे तो रिकॉर्ड नहीं कर सका मैं, लेकिन भागते हुए जितना रिकॉर्ड कर सकता था मैं, क्योंकि मैं दरवाजा मुझे याद था कि ये राइट हैंड पे और ये रोशनदान है और मैं इस तरफ निकला, आप लोग इस तरफ कमरे की तरफ निकले। मैं दोबारा कह दूं ना, मुझे वो खिड़की दरवाजा लगी, सच बताऊं वो खिड़की दरवाजा है, मैं उधर से जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ, मैं चला गया उधर से। आप भी उधर से आए जी, आपके आप दोनों वहीं से हैं। मैं रिटर्न वहां जाके बिल्कुल कोने तक फिर मैं वापस आया हूँ आपके पीछे। चल भाई यहाँ कोई कैसे आ सकता है? कोई नहीं, नामुमकिन बात है, नामुमकिन बात। इस हाइट पे कोई कैसे आ सकता है यार, कैसे आ सकता है इस हाइट पे कोई? इस जगह पे इस वक्त इस हाइट पे कोई कैसे आ सकता है यार? बाहर का आप जरा नजारा देखे, हाथ से हाथ सुझाई नहीं दे रहा। उस दौरान अगर ये किसी आम आदमी को टकर गया तब भी कहाँ से बचेगा? और अजीब बात यह है कि शायद हम सही सलामत बाहर आए थे, दो वाकयात तो हमने सुन लिए, आग जाया होने। आपको यकीन है कि आपकी आंख इसी वजह से गई? जी हाँ, इधर जिन्नात है। किसी की आंखों में मसला हो गया? आपको कभी जाना नहीं हुआ? नहीं नहीं, रात को कभी जाना नहीं। लेकिन जो भाई इंटरव्यू दे रहा था वो बोल रहे थे आप लोगों की हमारे की खूबसूरत है तीनों की। आप लोग मेरे साथ हो तो आप लोगों को माजरत है, आप लोग चले जाओ, फिर आ जाएंगे तंग करेंगे। माजरत है आप लोग की भी, अल्लाह ने आंखें दी हुई है तो माजरत है, आप लोग चले जाओ। तो टाइम तो हम पे तो फिजिकली किसी किस्म का कोई अटैक नहीं। रुके ही कितनी देर हम अंदर, हमने कौन सी पूरी रात गुजार ली सोहेल भाई? हम कौन सा सोए यहाँ पे जो सुबह उठते थे पता चलता है? कौन सोएगा यहाँ? मुझे ऐसा लग रहा था वो ऊपर से हम तीनों में से चूज कर रहा था कि किसके साथ क्या करना है। वो जैसे हमें देख रहा था या देख रही थी, वो क्या मखलूक क्या थी? हाथ पैर थे उसके? हाथ पैर थे, बिल्कुल थे, काले स्याह, काले स्याह, एक एक हाथ भी एक पांव भी एक। वो तो एक तरफ से हमें नजर आया ना, क्योंकि आधा धड़ तो उसका अंदर की तरफ था। हाथ नजर आया, पांव नजर आया, दोनों पैर थे, दोनों हाथ थे, क्या था? एक पैर एक हाथ जो बाहर की तरफ था दीवार की तरफ, वो हिल रहा था जैसे हाथ और पैर हिलाते नहीं ऐसे करके। नहीं यार, तो मैं ये समझा कि शायद वहम है। जब कैमरे की लाइट उस तरफ की ना मैंने, तो बस जान निकल गई उस वक्त मेरी। उस वक्त कुछ सुझाई नहीं दिया, बस ये था कि बस बाहर निकल जाए यहाँ से। गाड़ी में है ना, इसके रोशनदान को बाहर से देखें। इसका रोशनदान बाहर से नजर ही नहीं आता ना, इसकी बनावट ऐसी है घर की कि रोशनदान छत की तरफ आ रहा है। देखे लाइट दे, हटाया सुबह लाइट उधर कर। सवाल ही पैदा नहीं होता सर भाई, वो रे ऊपर रोशनदान नजर आ रहे हैं। आप दिन की रिकॉर्डिंग में देखिएगा, दिन बाकायदा वाज़े सारी शूट है मेरे पास इसकी। वो ऊपर रोशनदान है ना? हाँ। रिकॉर्डिंग में आ रहा है सर भाई सामने लाइट? मेरे पास तो नहीं आएगा रिकॉर्डिंग। आ रहा है मेरे पास, आ रहा है कैमरा तेरे पास ले यार, उसका साइज तो देखे।
सकता है उसका। बंदा इतनी हाइट में चढ़ेगा कैसे तोल भाई? वो जो अंदर ऊंचे वाले रोशनदान है ना, हाँ, हमने वहाँ हाँ, रिकॉर्ड किया है उसको। बिल्कुल सोल भाई, कहाँ से दिखा सकते हैं हम? रास्ता ही नहीं है, रास्ता नहीं है ना, झाड़ियाँ हैं सारी, कांटे हैं। उस जगह का भी तो कोई रास्ता नहीं है। ये दिन की रिकॉर्डिंग में आप दिखा सकते हैं, सॉरी हाँ, दिन की रिकॉर्डिंग में है हमारे पास। तो उस जगह का भी तो कोई रास्ता नहीं है? नहीं, यही बता रहा हूँ मैं आपको, कोई रास्ता नहीं है। वो ऊपर रोशनदान है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग में आ रहा है सर पे सामने लाइट? नहीं, मेरे पास तो नहीं आएगा रिकॉर्डिंग। आ रहा है मेरे का, आ रहा है कैमरा तेरे पास? ले यार उसका साइज तो देखे। बंदा घुस सकता है उसका? बंदा इतनी हाइट में चढ़ेगा कैसे तोल भाई? उस जगह का भी तो कोई रास्ता नहीं है। ये दिन की रिकॉर्डिंग में आप दिखा सकते हैं, सॉरी हाँ, दिन की रिकॉर्डिंग में है हमारे पास। तो उस जगह का भी तो कोई रास्ता नहीं, नहीं है? नहीं, यही बता रहा हूँ मैं आपको, कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये कोई इंसान नहीं हो सकता? नहीं, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? एक लम्हे में जान निकाल दी। सुहेल भाई, हमने थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ें महसूस की जिनके कद हमें छोटे लगे। कुछ चीज़ यहाँ से वहाँ जाते हुए हमने महसूस की। हमने बच्चों की आवाज़ें सुनी, एक मौके पर वो बच्चे वो जानवर एक साथ भौंके हांके और बच्चे रोए, तभी हमने उस वक्त किसी मौजूदगी को भी महसूस किया। उसका कद हाइट हमें छोटी लगी, हमने जो साया महसूस किया रिकॉर्ड किया उसका कद हमें छोटा लगा। वो रोशनदान का साइज क्या होगा सोहेल भाई? ऊपर वाले का 2x4? 2x3? 1.5x4? 3x4? 2x4? क्या साइज होगा? यही होगा। उसमें कोई कैसे हो, कैसे आ सकता है यार? ये दिमाग काम नहीं कर रहा था, अभी बोलती बंद हो गई थी मेरी, और अभी भी इस आलम में मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मतलब उसका चेहरा आंखों में घूम रहा है यार, ऐसा लग रहा था ये हिस्सा नहीं है साधु इसका, ये नाक का हिस्सा हो सकता है। मेरा बहम हो, गलत देखा हो मैंने, लेकिन रिकॉर्डिंग में जरूर चेक कुछ था तो सही, कुछ था तो सही। मैंने दो चीज़ें देखी थी, पता नहीं दोनों हाथ थे दोनों पैर थे, एक हाथ एक पैर था। सुनते क्या वो लेटी हुई थी चीज़ यहाँ ऐसे? बिल्कुल उकड़ू जैसे बोलते हो ना ऐसे, बोले एक हाथ एक पैर ऐसे तो लेट के हमें हिल के वो देख रही थी। हाँ, उससे पहले हमने अच्छी तरह रोशनदानों को देखा है, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, मैं तो आदत ही है मेरी, मैं चारों तरफ कैमरा घुमाता रहता हूँ। कुछ नहीं था, बिल्कुल एम्प्टी खाली। कैसे वजूद आ गया मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि उधर से देखता हुआ आया हूँ मैं और अचानक आ जाना। बंदा था कोई यार? कोई बंदा कैसे हो सकता है? बंदा होता चढ़ता कैसे इतनी ऊपर? हाइट भी तो आप चेक करें कितनी हाइट पे है। कुछ उसका याद है, कुछ कुछ चेहरा, कुछ कोई कोई चीज़ याद है उसकी? क्या देखा क्या? तो मेरी चीख पे सिर्फ दौड़ा है। हाँ। नहीं वैसे दो तीन जगह मुझे लगा भी आप लोगों के पीछे कोई है, यकीन करें मुझे लगा था दो तीन बार। मुझे देख के तो आप एक बार जो चीखे ना वो मुझे याद है। आप लोगों के पीछे जैसे कुछ साया सा नहीं होता लंबा सा, मतलब आपके पीछे कोई चीज़ खड़ी हुई है जैसे, मैंने दो तीन बार मुझे ऐसा लगा, पता नहीं मेरे इल्यूजन्स थे हेलुसिनेशंस थी क्या था, लेकिन मैंने जो है ना महसूस किया था। बड़ा मुंह, सोच नहीं सकते थे कि ऐसी जगह पे कोई चीज़। यार वैसे होता यही है ना? होता यही है, और लोगों से सुना है ये तो हमें बहुत कम बताया है लोगों ने, आपको शाम को भी कहा ना, बहुत कम बताया, बहुत ज़्यादा मामले आते हैं यहाँ पे। शाम को कंडीशन देखी थी हमारी तीनों की, क्या थी आँख देखी आप? उस बच्चे की आँख देखी आप? वो जो ज़ाया हो गई है
वो रो रहा था यार, बड़ा अफसोस हो रहा। पता है आपको, उसको उसके रोने में गुस्सा बहुत था, वो बेबस था, वो कुछ कर नहीं सकता, ना करना कर पाया, तो वो गुस्सा जो है ना उसका आंसू में निकला। क्या हुआ यहाँ पे ऐसा सुहेल भाई, उसके दादा के टाइम पर क्या हुआ है ऐसा? यही तो मैं सुनना चाह रहा था, यही तो मैं जानना चाह रहा था कि वाकया क्या है। ये झालरें देख रहे हैं सामने दरख्त की, ये कोई इतनी जल्दी नहीं आती। नहीं नहीं नहीं, कदीमी है ये। सामने इमली का दरख्त जो है ना, वो हमें पहली बार मिला इस जगह के साथ। इसके पीछे हमने रास्ते में साथ ही इसके बरगद के दरख्त, जो बड़ा कदीम बहुत उम्र दराज दरख्त लग रहा था, चौड़ा सा, उसकी ज्यादा ये झाड़, मतलब ये इलाका है तो बहुत पुराना, बहुत पुराना। ये दरख्त हैं तो बहुत पुराने, और ये दरख्त पहले के हैं, ये कंस्ट्रक्शन या आबादियां बाद की हैं। ये इमारतें जो ये बनी हुई है, ये तो मुझे लग रही है कि पाकिस्तान बनने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसके बाद की कंस्ट्रक्शन नहीं है, इतनी हाइट और इतनी चीजें। चल भाई, लगता है ऐसे बहुत पहले कुछ हुआ है यहाँ पर, और वो ऐसे बस गई है वो मखलूक की यार, वो ऐसे रोशन दानों में घूम रही है, बैठ रही है, सो रही है। फुटेज में तो ऐसा लग रहा है जैसे बस टांगे और हाथ लटके हुए हैं, बस चेहरा समझ नहीं आया, अभी नहीं समझ आ रहा है। इधर ऐसा लग रहा है जैसे आधा हिस्सा है, आधा है ही नहीं। नहीं, ये तो आपको एडिट पे जाएंगे तो मजीद चीजें मिलेंगी इसके अंदर बहुत सारी। सुल भाई, वो है कहाँ पे यार? रोशनदान में। और हाइट देखे रोशनदान की कहाँ है सुहेल भाई? ये कोई हमारे घर की तरह 10-15 फुट नहीं है, वो देखे तो सही, सामने 20-30 फुट तो हाइट है उसकी यार। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बाहर से रास्ता नहीं है जाने का, वो देखे बाहर से कोई रास्ता नहीं है उधर पहुंचने नहीं, का नहीं। तो उधर कोई कैसे जा सकता है? उड़ के दीवारों पे चल के, ना समझने वाली, दीवारों पे उल्टा चल के यार, समझ नहीं आ रही सर। जंप आप मार नहीं सकते, बाहर से आप जा नहीं सकते, तो क्या आप ऐसे दीवारों पे चढ़ के जाते हैं? चले ठीक है, आ गई वो, कहां गई? गई कहां? चला भाई, हो सकता है इन्हीं में से, हो सकता है, इतनी ताकत तो रखता है वो अपनी जगह पे, नहीं तो हम कहां गए देखने उसको दोबारा? हम तो उसको देख के, और मुझे याद है जब तक मेरी नजर थी उस पे, हम भागे हैं, वो मौजूद थी चीज वहीं पे, तो उसकी जगह है ना सर। अब ये रोशनदान तो बाहर से भी नजर आ रहे हैं ना, जानवर तो बाहर से देख रहे हैं ना, मतलब उन जानवरों ने इसको देख के भौंके थे वो। अब क्यों नहीं आई उसके बाद के लिए? उसके बाद ऐसी आवाज नहीं आई, उससे पहले ऐसी आवाज नहीं आई, उसी वक्त आई यार। बच्चा कैसे गूंज रही थी अंदर, नौ मौलूद बच्चे नहीं होते, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। दो बार आई, एक जगह मुझे आवाज आई जाओ करके, जैसे किसी बच्चे की आवाज में जाओ, लास्ट टाइम आवाज आई उसकी यार। वो हमने साये देखे थे, वो जो ऐसे जानवर की तरह जा रहे थे, या वो कोई वजूद था, कोई बाहर से ट्रैफिक का कोई शेडो था, क्या था वो यार? ट्रैफिक का शेडो मतलब दीवार के इस तरफ कैसे आएगा, नीचे कैसे आएगा? अब मुझे लग रहा है कि वो जो जो हमने साये, जो मखलूकात हमें जिसमें डाउट्स थे ना, वो डाउट नहीं थे, डाउट नहीं थे, वो यही था, वो यही मखलूक थी यार, यही था, यही आपके पीछे भी थी, यही ऐसे भी जा रही थी, उधर से भी चल रही थी, इसी का साया भी हमने पहले देखा था कामान। मैंने जब आप लोगों को कहा नहीं आप लोगों के पीछे कोई है, और जब हमने उधर दीवार की तरफ देखा, कुछ साया गया था ना, उसका भी बड़ा सर था, बड़ा सर था। और शाम के टाइम जैसे एंट्री की, मैंने सुहेल भाई को बोला था ना, मैंने बोला सदर भाई कोई पीछे खड़ा हुआ है। यस यस, अच्छा हम उसी जगह पे खड़े हुए थे जहाँ इनको लग रहा था कोई पीछे है। हाँ, उसी जगह थे, उसी जगह थे, बिल्कुल उसी जगह थे, सही कह रहे हैं आप। और उस जगह वो मखलूक नहीं नजर आई हमें, उसके ऐसी यार कहीं और नजर आ जाती ना सुहेल भाई, कोई डाउट होता, मैं यकीन करें मैं अपने आप से कह देता कि नहीं यार, हो सकता है कोई और, कोई शरारत, कोई इंसान, कोई डाउट, कोई जहनी मरीज, कोई नशा करने वाला, ये नजर ही ऐसी जगह पे आया। मैं अपनी तरफ अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इस बात को यार, कि वहां कैसे गया, कैसे गया।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کی طرف سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے ہماری طرف سے. تو جی اتوار سے پہلے ہی شو چلا گیا, چاہے دن رات ایچ پہ شو ایچ پہ کام. ہماری طرف سے جیسے ہم کوشش رہی ہے آپ کو کہ ایس ایس ڈی میں جو بتا سکے پروگرام کیا ہوگا کیسے ہوگا کہاں کہاں کیا کیا سمجھنے کو سیکھنے کو ملا وہ سب, تو ہماری طرف سے شیراز بھائی کی طرف سے اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی کہ آپ کو وقت پہ شو ملے. اور جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اسی ہفتے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا, تو جمعرات کو 1 بجے شو چل چکا ایکسپریس نیوز پر. دوپہر میں, دوپہر جمعرات 1 بجے ایکسپریس نیوز نے چلا دیا یہ شو سیم ویک اگلے اتوار سے پہلے ہی. اب رہی بات سوشل میڈیا پہ آنے کی, تو بہت جلد انشاءاللہ وہ آ جائے گا. نہیں تو میں آپ کو, مجھے نہیں اچھا لگتا کوئی انتظار کرے, انتظار کرواؤں کسی کو, کیونکہ مجھے خود میں نہیں پسند انتظار کرنا. میں سمجھ سکتا ہوں کمنٹس, ایسے ایسے کمنٹس, ہم نے اپنے ریزلٹ کا کبھی اتنا انتظار نہیں کیا. جی جی ہم رونا شروع ہو جائیں گے. یہ تو میں مذاق کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں قدر کرتا ہوں جی. مجھے پورا احساس ہے کہ آپ پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں. آج کے دور میں جہاں وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس, صحیح, اور آپ وقت نکالتے ہیں ہمارے لیے, آپ کی محبت ہے, اور یہی محبت دعا ہی ہے جس کی وجہ سے ایسے کام ہو بھی رہے ہیں. یہ ہم نہیں کرتے, ہم سے کروائے جا رہے ہیں, نہ ہم کر سکتے. تو انشاءاللہ جی بہت جلد آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پروگرام. آپ نوٹ کیا ہوگا جی آپ لوگوں نے بھی کہ میں ایک دم چیخا تھا ٹیم کے پیچھے نا, اور لوگ کافی ڈر بھی گئے تھے, ہم بھی ڈر گئے تھے. آپ خود سوچیں کہ آپ 3 لوگ ہیں, اور آپ کو جب یہ لگے کہ تیسرے کے پیچھے کوئی چوتھا کالا سایہ بھی ہے تو کیا گزرے گی آپ پہ؟ آپ ہیں, آپ کے پیچھے سہیل بھائی ہیں, سہیل بھائی کے پیچھے کامران ہیں, کامران کے پیچھے اگر کوئی کالا سایہ لمبا سا کھڑا ہوا ہو تو کیا گزرے گی آپ پہ, اور وہ ایسے بڑھ رہا ہو آپ کی طرف, تو جیسے مطلب کوئی پیچھے سے آپ کو یوں دیکھ رہا ہو. تو جب میں چیخا ہوں, ہم مڑے ہیں پیچھے, یہ ہم پیچھے مڑے ہیں, ان کو میں نے کہا ہے کہ یار کچھ سایہ تھا, ہمارا فریم وہیں پہ ہے. اور شرابے پتہ کیا ریکارڈ ہوا, یہ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ تو بہت زیادہ. اچھا اس کو میں نے سلو کر کے بھی دکھایا آپ کو نا, اچھا تاکہ آپ سمجھیں اس کو. یہاں ہم نے وہ چیز دیکھی تھی ان کے پیچھے, اور یہ جو ہیں یہاں سے کوئی چیز, کوئی سایہ بڑھتا ہوا, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ دیوار کے اوپر چل رہا ہے, یہ دیوار میں جب چل رہا ہے, کیونکہ کس طرح سے پڑ رہا ہے سایہ؟ یہاں ہم کھڑے ہیں, ہاں یہ ہمارے کیمریز ہیں سامنے, صحیح لگ ایسا رہا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز جا رہی ہے. اب اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ ریکارڈ ہوتی, اس کا سایہ ریکارڈ نہیں ہوتا. صحیح, یہ صرف سایہ یا اٹ سیلف کوئی کالی چیز ریکارڈ ہوئی ہے. سایہ ریکارڈ ہوا ہے, کوئی آبجیکٹ ریکارڈ نہیں ہوا. ہمارے درمیان اور اس دیوار کے درمیان یہ جگہ ہے, کافی گیپ ہے, کافی گیپ ہے, ہال ہے نہیں پورا, اور ادھر کوئی ہے نہیں, کوئی جاتا تو اس میں ضرور ریکارڈ ہوتا. ہاں اور صرف یہ شیڈو ریکارڈ ہو رہا ہے, مطلب کوئی سایہ یا کوئی کالی جٹ بلیک مخلوق جو ہے وہ جا رہی ہے. سوال مجھے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ نے یہاں, یہ ہال ہے پورا نا, تو یہ دیوار میں چل رہی ہے, کیونکہ بیچ میں ہال میں تو نہیں چل رہی. اگر بلیک سایہ ہوتا تو یہ ہوا میں محلول دکھتا, یہ دیوار پہ ہی کوئی چیز آ رہی ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اینڈ فریم میں دیکھیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آخری چھوٹے سے ہوتے تھے بڑی جا رہی ہے اور روشن دان کی طرف چلی ہے. آپ آخری فریم دیکھیں, میں بھی وہی کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ یہاں سے, مطلب یہ دروازہ ہے نا یہ والا, یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شام کو کامران کو لگا تھا کہ کوئی کالی سی چیز. جی 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 جی, پہلی بار جی جی دن میں ان کا بھائی کوئی ہے اندر, صحیح. اب ہم کو کہنا وہ بندہ ہے, کوئی سایہ کوئی ہے, میں نے کالی چیز دیکھی کسی جگہ میں. اور جب یہاں سے یہ چیز نکل رہی ہے آپ دیکھیں تو یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے نا, جی یہ ادھر کی طرف جا رہی ہے. ہاں یہ اونچی ہوتی جا رہی ہے. جی جی صحیح, اور یہ دیوار پہ ہے,
ये हाँ मतलब मैं कंफर्म दीवार, ये महसूस आपको इस वॉल पे मतलब इस हाइट पे तो नजर आ रही है ये, सही। और कोई चीज जैसे बकायदा एक बड़ा सा सर नहीं होता जैसे, वो कोई जा रहा है, और आपने सही कहा कि बढ़ते बढ़ते इसी तरफ वो क्या है, रोशनदान, रोशन। क्योंकि मैंने देखा वो छोटे दरवाजे से बड़े दरवाजे से बड़े बड़े होते थे, तो उसने इनलार्जमेंट ले ली, काफी बड़ा हो गया वो। सर आपको याद होगा जो हमने पहले शेडोज रिकॉर्ड किए हैं जी, वो दरख्त में जो ऊपर साया मैं जा रहा था उससे कुछ तस्वीरों में कुछ वीडियोस में, अब देखे ना इस दीवार और हमारे बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा, और अगर किसी का शेड होता तो वो ऑब्जेक्ट खुद का है जिसका शेड है ये, सही। तो सिर्फ शेड है मतलब जैसे कहते हैं ना कोई काला साया, कोई हवाई मखलूक, कोई जेट ब्लैक चीज जो रात में भी आपको इसके ऊपर दिख रही। और एक जगह मुझे ऐसा लगा जैसे सजाद साहब वो इधर जाहिर हो चुके हैं आप, सही। और जैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको रात को नहीं जाना चाहिए था इस जगह पे, कई लोगों ने, मैं मैसेज अभी आपको दिखाता हूँ, बल्कि पहले शेयर करते हैं आपसे आप लोगों के मैसेजेस जी, और मुझे खुशी भी हुई और लोग भी महसूस कर लेते हैं जगह को देख के, सही, इन वाकयात को नोट कर लेते हैं। अच्छा जी, हॉल में अगर इसकी कोई चीज होती है तो जब में साया दीवार तक नहीं पहुंचता, क्योंकि जमीन पे गिर जाता, हॉल बहुत बड़ा था, ऑब्जेक्ट जरूर रिकॉर्ड हो रहा, कुछ अनहोनी चीज है जो दीवार के अंदर जो आप लोग घूम रहे थे ना, हम लोग मुसलसल कह रहे थे साये दिख रहे हैं, साये दिख रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। ये जी सानिया मलिक हैं। अच्छा सज्जाद भाई, ऐसी जगहों पर रिस्क लेकर गलत किया आपने, नहीं जाना था रात में, ये ख्याल मुझे यहाँ आ गया था, सही। जब मैंने देखा ना, एक तो अपने टीम के पीछे देखा किसी को, फिर मैंने जब देखा ना कि यार वो हमारे सामने ऑन कैमरा मतलब यहाँ से वहां, जैसे कोई पिंजरे के अंदर कोई शेर नहीं होता जो जा रहा होता है इधर से उधर, कि उसकी जगह उसकी टेरिटरी है, और आप जो कोई नजर ही नहीं आ रहा आपको, अब इसको कैसे पकड़ेंगे आप जो दीवार पे साया जा रहा है। सुशांत भी आप उसकी साइज देखिए, और अगर वो चीज वजूद में होती तो कितनी हैबत ना हो, कितनी बड़ी होती हो। अब जनाब आपने उसका साइज देखा कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक तो है, चलते हुए जाते हुए उड़ते हुए जो भी है, वो इसका साइज मतलब 6-7 फुट का तो होता है दरवाजा, ठीक, उससे ऊपर देख ले। आपने बताया था ना डी में 25 फीट तो होगा कम से कम, वो तो दीवार थी पूरी छत। अच्छा, वो 20 दरवाजा 6-7 फुट, उसके ऊपर 1-2 फुट, 8-9-10 फुट तो ये साया है। अब जनाब ये जो 8-9-10 फुट का साया है, ये कोई मोर ऑब्जेक्ट है, ये सर इस जगह पर कैसे फिट आता है 2x4 के रोशनदान में, 2x4 की खिड़की, अगर तो ये वही है। खासियत है ना, ये तो अपने आप को छोटा बड़ा कर लेते हैं ना, ये जैसे जिस शेप में आ जाते हैं अपने अपने आप को लार्ज में भी कर लेते हैं, लेकिन वो जगह वहां तक पहुंचना बहुत ऊंची जगह है वो ना। अब जी शिराज भाई, पिंडली होती है ना पाँव की पिंडली, कुछ लग रहा है पिंडली, सेहतमंद पिंडली लग रही बहुत सर, बहुत ज्यादा सेहतमंद पिंडली होते होते इसको अचानक क्या हो जाता है यहाँ। हाँ, इतना नहीं हो सकता, गोश्त तो पूरा एक लेवल पे आ रहा होता है ना, तो अचानक ही बारीक हो गया है, और ये नीचे आपको नजर आ रहा है कुछ कि ऐसा इतना नॉर्मल नहीं है ये। हाँ, नॉर्मल कि आपकी पिंडली का साइज ये है और आपके फुट के ऊपर की जो जगह है अचानक ही छोटी हुई, मतलब जैसे हड्डी दिख रही गोश गायब हो गया अचानक, और जो नीचे का जो फुट है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है।
पिंडली इतनी है, ये पिंडली, इससे नीचे इतना नैरो हो जाते हैं ये, और इसका पाउन जो है वो बहुत बड़ा है। अच्छा जी, और ये खिड़की का साइज मैंने अंदाजा लगाया 2x4 होगा। 2x4 होगा, ये 2 फिट और ये 4 फिट। अच्छा, मुझे जो अंदाजा कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो मजदूरी उस हवाले से मुझे अंदाजा है, शायद 1.5 फुट या 2 फुट इसकी ये होगी और विथ जो है 4 फुट। इसमें कोई बंदा कैसे फिट आ सकता है? अरे बंदा जा कैसे सकता है, ये भी सवाल है कि बहुत हाइट है ऊपर कैसे। नहीं है सर, कोई एक्सेस ही नहीं है। रात को जब हम इस जगह को बाहर से देख रहे थे, आपको याद होगा जब गाड़ी में बैठे हम देख रहे थे जगह को बाहर से, एक तो फ्रंट से जगह नजर आ रही थी। हाँ चौधरी, एक तो फ्रंट से जगह नजर आ रही थी कि जी ये कुछ रोशनदान है फ्रंट पे, ये जो अंदर रोशनदान है ना, ये उससे भी ऊंचे हैं। फ्रंट पे जो रोशनदान है वो इससे 4, 6, 8, 10 फुट छोटे हैं वो दीवारें, उधर भी जो कमरा है और इधर भी जो कमरा है वो इसकी लेंथ से छोटे हैं। अच्छा, और ये उनसे भी ऊंचा है, सबसे ऊंचा, बीच का जो लॉन हॉल कह लें आप। देखें दीवार दरवाजे में और उसमें कितना है, उधर है ना, कितना ऊंचा दिख रहा है। ये इसकी बेड्स भी थी, ये भी हमला करेंगी। अच्छा, इतनी खौफनाक जगह थी, क्या कोई इंसान तो वहां पर गुजर था? साइड में रोड तो चल रहा था, लेकिन रोड पे कुछ वक्फे वक्फे से मैंने महसूस किया, कोई मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह गई। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिनमें ये कहा गया है कि जी आपके साथ पूरा शहर आबाद था जी, आपके साथ कई लोगों की आवाजें आई हैं, कुछ एक औरत की आवाज आई है जब वो लड़के जो है आपको तंबी कर रहे हैं कि आप चले जाएं, आपकी आंखें अच्छी हैं, आप ये ना हो खुदा ना खास्ता कुछ कहते हैं, उसी वक्त किसी औरत की आवाज है। और ये बात कई लोगों ने नोट की, मैं आपको बताता हूँ, ये जी नोट की है फिजा नासिर ने, 3:16 पर बच्ची की आवाज आई जब दरवाजा खोला सज्जाद भाई ने। अच्छा जी, ये है मोहम्मद शफी मीर, 4:13 यू कैन हेयर अ लाफ ऑफ अ वुमन, एक हंसी की आवाज औरत की जो है ना। तो क्या वहां कोई ऐसी औरत की मौजूदगी पॉसिबल है इस वक्त इस रात के इस पहर में? वहां पर ना एक टाइम पर तो मैंने कहा भी था गधे कुत्ते नौ मौलूद बच्चे नहीं होते बिल्कुल जो पैदा हुए होते हैं अभी, यार ये वो आवाज खातून की आवाज, ये तो हमने एक टाइम पर सुनी, हमें एक बार आवाज आई, लेकिन ऑल ओवर इतना लोगों ने हमें बताया कि बार बार ये आवाजें आपके साथ आई हैं, ये हमने उस वक्त नहीं सुनी थी, हमारा कान नहीं सुन पा रहा था इन आवाजों को, ये ईवीपी के जरिए आप तक पहुंची हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, जो हम ऑडियो यूज करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होती है, वो रिकॉर्ड कर लेता है। एक चीज बताएं, नो मॉन्यू कई लोकेशन पे रिकॉर्ड हुई है, ऐसा तो नहीं होता कि हर इलाके में बच्चे इतने ही नो मॉन्यू पैदा हुए? या क्या मतलब ये फिनोमेना कि इतने कम बच्चों की आवाज़ें निकाल के, लाते बच्चों से लोग रहम मोहब्बत रखते हैं तो खींचने के लिए, करीब करने के लिए। कौन रो रहा है, कहाँ है बच्चा, तकलीफ में है, औरत परेशानी में है, क्या मसला है इसके साथ, एक हमदर्दी का आंसर जागता है। सर चुड़ैल के मुतालिक आपने सुना होगा जी, जी खातून बच्चे इनकी तरफ बंदा अट्रैक्ट होता है, आपको वो आवाजें वो जो उसकी तरफ आप जो है ना आपकी हमदर्दी जागेगी, आप उस तरफ बढ़ेंगे के तौर पे। अच्छा सज्जाद भाई, मैं सुन रहा था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था आप जैसे हजार बंदों की महफिल में चल रहे हैं। अल्लाह, मतलब जो कान में जो भी शोर महसूस हो रहा था ना, जो बातों ना समझ कुछ नहीं आ रहा था, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, लेकिन एक हॉल का एक महफिल का जो शोर होता है ना, ऐसा लग रहा था आप किसी महफिल में चल रहे हैं, मतलब इर्द गिर्द आपके बहुत से लोग हों या बराबर कमरे में एक बहुत बड़ी तकरीब हो रही हो, लेकिन आप जिस कमरे में जाओ वो खाली, जिस कमरे में जाओ वो एम्प्टी। एक बात मुझे और अभी ख्याल आया एक बात का, आपको जहां आपने साया रिकॉर्ड कर लिया है उस साये की जो लोकेशन है, अगर आप गौर करें इस साये की जो लोकेशन है वो ये दरवाजा है, और ये दरवाजा कौन सा जिसको वो पड़ते लगा के लॉक कर दिया गया? अच्छा, ये वो रूम है, ये वो दरवाजा है सामने का, ये तो कुछ चीज कनेक्टेड है, क्योंकि वजह यह कि पूरे दरवाजों में यही रूम लॉक है, यही इसका जो दरवाजा था जिसको बकायदा
स्टील की कीलों से और वो पट्टियां लगा के ना बंद कर दिया कि कोई गलती से भी ना खोले, खुल ही ना सके, ताला चाबी से, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़े, लोग इरादा बदलते ना आए, मतलब ये वो जगह है जहां कोई नहीं आ सकता। वहां से तो हम खिड़की भी थी कूद के आ गए, एक ग्रिल का दरवाजा भी था, यहां से कोई आ जा नहीं सकता, तो इधर ही जो है ना, और एक ये कमरा और एक ये कमरा दोनों ही जो है ना इंतहाई, कामरान भाई सुहेल भाई को वो लगा गड़बड़, मुझे वो लगा। वो कमरा इनमें से कौन सा जिसमें आग लगी हुई थी? ये बात तो मुझे भी वो कमरा बॉर्डर करवा लगा हो सर मुझे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां वाजे तौर पे ऐसे आग के निशान थे जो आग के पैदा होने की कोई वजूद नहीं दिख रहा था, लेकिन दीवार में छतें जली हुई थी। ये जी आपके लिए हमने इसको थ्रेशहोल्ड करके दिखा रहे हैं आपको कि आप खुद अंदाजा लगा लें कि क्या रिकॉर्ड हो गया और कैसे रिकॉर्ड हो गया। इंटेंसिटी देखें कितनी खौफनाक है। मैं आपको दोबारा एक बात बता रहा हूँ, ये सामने दीवार, ये हम मौजूद हैं, हमारे बीच में ये जगह है। अब ये कोई किसका शेडो है, किसका साया है? देखिए जी, हाँ देखिए, खुदा की बना यार, सजाद भाई सर हिलाता हुआ जा रहा है ये, सर, मुझे मुझे ऐसा लगा कि कोई लंगड़ाते हुए जा रहा है, लंगड़ाते हुए जा रहा है। इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखें, हाँ सजाद भाई कुब्बा भी है, कमर कुब्बा है, पीछे करें वॉल पे देखें, देखें ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, कुछ कुछ देखें, ये देखें, ये इतना आगे झुकाव नहीं होता। हाँ हाँ, झुकाव इतना आगे नहीं होता, इंसान अगर चलता है तो यूं या बहुत हो गया यूं, ये कुछ ज्यादा ही ऐसे चल के जा रहे हैं, और यहाँ मुझे लगता है ये लंगड़ाए हैं थोड़ा सा। अच्छा, मुझे लगा कमर का, ये जी 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 जी, ये नोट किया आपने? जी जी कर लिया, आप जहाँ ये जी, हाँ थोड़ा सा डाउन नीचे गया, पैर स्मूथ लेवल में नहीं है। ये हमारा निकलना है, कौन सा दरवाजा, कौन सी खिड़की, कौन सी छत। हालांकि सुहेल भाई वहां से निकले हैं दरवाजे से, हमें लग रहा है कि ये जो सुराख है ना यही एग्जिट है, यही दरवाजा है। और शुक्र है हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, अगर फर्स्ट पे होते या सेकंड पे होते तो शायद ऐसे आते बाहर। तो यही हुआ है पहले भी, यही होता रहा है पहले भी, लोग कहते हैं जिन्होंने इंसान को ऊपर से फेंक दिया, ऐसा नहीं होता। खौफ जो है ना वो आपको कहता है बस किसी तरह मैं निकल जाऊं यहां से। सर हमने 100 बार इस जगह को देखा है, इस रोशनदान को, इस खिड़की को, ये वही जगह है एक्चुअल? ये वही जगह है एक्चुअल, ये वाली रोशनदान जहां पे रिकॉर्ड हो गए हैं वो। अब हम यहां मौजूद हैं, मतलब हमने पहले शेडोज देख लिए हैं, साये देख लिए, आवाजें सुन ली हैं, इतना कुछ हमने सुना हुआ है इस जगह के बारे में, और ये भी बार बार ख्याल आ रहा है कि यार जिस्म के आजा जो है ना उन पे हमला होता है और इस तरह की जगह। अब जब ऐसी जगह पर देखा ना तो कहते हैं ना कि आपको जो देखा उस पर यकीन नहीं आ रहा, ऐसा कैसे, पॉसिबिलिटीज भी समझ नहीं आ रही। ज्यादा कुछ 6-8-10 फुट की दीवार नहीं है, ऐसा नहीं है कोई जंप या कुछ इस तरह से, उसमें कोई बंदा फिट कैसे है, कोई और कोई किसी की प्रेजेंस, कोई जानवर कैसे ना। अच्छा, इस शेप के अंदर भी शेप भी कुछ अनहोनी शेप थी ये ना? ये मतलब अच्छी भी, मतलब हमें अभी तक जितनी भी शेप्स मिली ऐसी शेप नहीं मिली। असल में हम जो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स में है ना वो उसके पाँव की तरफ निशानदेही करते हैं कि वो जरा अजीब से हैं या तो कमजोर हैं कुछ, तस्वीर में उसके हाथ की तरफ इशारे हैं जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, ना साए में ना उस डार्क शेडो में। इस पिक्चर को देखें तो जो जो नीचे जो आ रहे हैं उसके हाथ ही ज्यादा बड़े हैं ना जिसके पाँव बने हुए हैं, मैं वही कह रहा हूँ। और ये अच्छा आप देखें तो ये मेरे ख्याल से शक्ल जैसे पर के हिसाब से बैट्स भी जो होते हैं ना, बैट्स उनके पर बाजू से लटके हुए होते हैं, और जो शक्ल इंसानी शक्ल दी गई है, अब भी किसी जिस दिमाग में किसी इंसानी या गैर इंसानी बनाई है, कोई अक्स दिमाग में रख के बनाया है ना ये,
हमें पहले भी मिली है इस तरह की चीजें, और जैसे मैंने कहा ना कि हमारी रिकॉर्डिंग में और हमें महसूस उसके पैर अजीब से लगे, हमें यहाँ हाथ अजीब से हैं, हमें हाथ ना रिकॉर्ड हम कर सके ना हमें हाथ की मूवमेंट कहीं नजर आई सायों में, हमें शक हुआ उनके पैरों की तरफ अजीब से, क्या पता अभी जो जिस हालत में वो सामने आया उनके पैर अजीब से हों, पहले जिस हालत में सामने आए उनके हाथ अजीब से हों। अच्छा जी, बहुत से और कमेंट्स हैं सजाद भाई, जिन्नातों का ज्यादा बसेरा, ये है उबैद रजा साहब, सही सजाद भाई, जिन्नातों का ज्यादा बसेरा घने दरख्तों पे ही होता है, जैसे नीम का दरख्त, बेरी का दरख्त, पीपल का दरख्त, इमली का दरख्त, इन साहब से कोई बहुत बड़ी कोताही हो गई है जिसकी वजह से इनको जानी नुकसान उठाना पड़ गया है। ये बात कर रहे हैं उनके दोस्त की जिनकी आंख नुकसान हुआ। किसी औरत की हंसने की आवाज आई है जब इन्होंने बोला कि टाइम हो गया, ये कह रहे हैं वसीम सज्जाद साहब। मैं दोबारा सुनता हूँ चीज को, जब उन्होंने हमें कहा ना कि टाइम हो गया आप जाए, उसी वक्त चमगादड़ों का अटैक हुआ। हाँ, ये भी अजीब, ये सेम उसी वक्त हुआ था, उसी टाइम पे हुआ था, हालांकि उससे पहले कई टाइम, और एक हम पे भी एक समझ लें जब उस बात को हमने महसूस किया ना कि ये वार्निंग है सर, तभी शाजी एक रूम में नहीं, जहां हम जा रहे थे आप देखिएगा एसएसडी में, हम जहां जा रहे थे चमगादड़े जो है ना वो टाइम वाकई हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, ये जी फुरकान सिकंदर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई हैव हर्ड अ लाफ एट अराउंड 55 सेकंड व्हेन द गाय इज टेलिंग यू दैट He woke up and lost his eye and there is another laugh at 4:15. अच्छा, same time. Please take a look at it. It's such a evil laugh. तो कह रहे हैं बहुत ही खौफनाक हंसी थी वो किसी औरत की, 4:15 कह रहे हैं और उन्होंने 4:16 कहा। ये जी मोहम्मद आतिफ साहब, It's silent killer haunted place. मतलब मुझे महसूस हुआ कि कई लोगों को ना फील हुआ यहाँ पर, उन्होंने इस जगह को महसूस किया कि यार ये कोई आम जगह या नॉर्मल जगह नहीं है जहाँ पर इस तरह के। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर कर लेता हूँ, ये देखिएगा जी। अच्छा जी, ये शेख अख्तर अली हैं, बहुत से लोगों की बातें करने की आवाज़ मुस्तकिल आ रही है बच्चे की आवाज़ के। अच्छा, माजिदा खान है भाई, कंटिन्यू बातों की आवाजें आ रही हैं जैसे आसपास बहुत लोग हों। 4:13 पर एक हंसी की आवाज आई है, गौर से सुने। ये इन्होंने कहा है कलीम शेख कलीम साहब। अच्छा जी, ये हैं, ये कह रहे हैं जी इधर करें, मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं सज्जाद भाई, आप जो है सुहेल भाई को डांट रहे थे। अच्छा, मैं जी बिल्कुल नहीं डांट सकता उनको, अब सिचुएशन जरा आप देखें गौर से कि थी क्या सिचुएशन। ये सिचुएशन है जी, वो जरा गौर से देखिएगा। ये जी हुआ, ये हॉर्नेट, इन्होंने मुझसे पूछा सज्जाद भाई क्या लाइट पे आ गया क्या वो भून और बर। अच्छा, अब मैंने जब लाइट में देखा मैंने कहा हाँ लाइट पे है, ये जो लाइट है ना इस लाइट के ऊपर वो आके बैठ गया। अच्छा, सही, वो जो ऊपर छत्ता था जिसका, अब मैं हट रहा हूं और ये खुद पीछे हो रहे कैमरे से और मेरे ऊपर कर रहे हैं कैमरा। अच्छा अच्छा, तो वहां मैं इनसे कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर क्यों कर रहे हैं। अच्छा, कि वो लाइट से निकले और सीधा मेरे ऊपर आए। अच्छा, इसका काटा जो होता है सूज जाते हैं आप और शदीद दर्द, इतना दर्द कि वो जंग वाला लोहा आपको चाहिए होता है उसको रगड़ने के लिए, आप उसको रगड़ने की अलग तकलीफ होती है, फिर जो उसका डंक जहर जो होता है वो निकाला जाता है। यार ये भी एक ब्लेसिंग नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि आप तीनों को इतने खतरनाक फिजिकली किसी एक ने आपको नहीं काटा, माशाल्लाह से। नहीं, लाहौर में सुहेल भाई बेचारे इससे खा चुके हैं, इस लोकेशन पे तो नहीं हुआ ना। सुने ना आगे, अल्लाह का शुक्र है। हां, ये कामरान की मुस्कुराहट है वहां पे। हां, तू तो रुको, तू यहां बैठी हुई थी इसके ऊपर।
बहुत बड़ी होती है सजा भाई, एक मूवी ये बैठी है बचना इससे जैसे मैंने अर्ज की ना कि कहीं डाउट्स हो सकते हैं, कोई शक व शुबा हो सकता है, जैसे हमें जहाँ जहाँ ये महसूस हुआ कि यार किसी की शरारत कोई और वजह हो सकती है, इस पर ये जो आप एक रिकॉर्ड हो गया, एक चीज़ जो आपको महसूस हो रही थी पूरे टीम मेंबर्स को, सिर्फ मैं नहीं, शाम में रात में भी नहीं, सही, और वो चीज़ जब ऐसी जगह पर रिकॉर्ड हो जाए, मतलब क्या कहेंगे इसको, ये कैसे बन सकता है ऐसे, आप दोबारा देखें जी ये इस इनका निकलना देखें, आप कोई नहीं कहेगा कि कोई खड़ा हुआ है यहाँ पे, कोई मौजूद है, और सडनली ये हो जाता है, सही, मतलब अगर कोई चीज यहाँ होती है ना शिराज भाई, अगर कोई यहाँ से मूव होती हमारे सामने, तब ये शैडो बनता, हॉल इतना बड़ा है, इतनी लेंथ तक शैडो जा ही नहीं सकता ना, अगर कोई बीच में खड़ा तो शैडो जमीन पे गिरेगा, बीच में गैप है ना, ये कोई दीवार के अंदर ही चीज जब्स है ना, शेडो कैसे इतना लंबा कास्ट हो सकता है, अगर लाइट इस फोर्स से है ना तो शेडो नीचे गिरेगा आपका, जो जो हम जिस तरह से हम काम करते हैं, जो हमें लाइट की इल्यूमिनेशन पता है, कास्ट ऑफ शेडो होता है ना उससे, शेडो कहाँ जा जाता है, आप उस बात को तस्वीर कर रहे हैं कि कोई मौजूद होगा जिसम तो उसका साया होगा, हाँ, लेकिन उसका शेडो इतना ऊपर जा ही नहीं सकता, मैं तो ये जानता हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि दीवार में कोई चीज है, अगर कोई यहाँ पे वजूद है तब उसका साया होगा, अगर वजूद ही नहीं है तो उसका साया कैसे है, या तो ये सिर्फ एक साया है, ये सिर्फ साया मखलूक है, साया है, ये सब आपके सामने है जी, फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। Mm-hmm.